ग्वालियर में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कुछ इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। वहां रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन खराब मौसम की वजह से सेना को भी बचाव कार्य में काफी परेशानी हो रही है। इस बीच हालातों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। व्यवस्था की जा रही है जो अभी तात्कालिक रूप से आवश्यक है, कोई कमी नहीं रख रहे हैं और कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक आपके माध्यम से जरूर निवेदन करूंगा, जैसा कल अफवाह एक फैल गई कि हर्षी बांध टूट रहा है, ऐसी अफवाहों पर वर्तमान में ध्यान न दें। ये थोड़ा संकट का समय है, अतिवृष्टि है, प्राकृतिक मार है और हम सबको मिलकर सहयोग से इससे निकलना है। इसे जांच के हैं और बाद के हैं, अभी हमारी प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित निकालना है। नदी किनारे के जो भी गांव हैं वो सभी प्रभावित हुए हैं और इसलिए सभी जगह जाना है। सरकार हर जगह मौजूद है, प्रशासन हर जगह मौजूद है, रेस्क्यू लगातार जारी है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सेना के माध्यम से, आज की टीमें भी सभी जगह लगी हैं, सेना लगी है। अभी ये सामने जो गांव है कोटला, इसमें 5-7 लोग फंसे हैं, ऐसा बताया, मैं वहां जा रहा हूं। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से सभी इलाकों का जायजा लिया और यहां के प्रशासन और बचाव टीम से बातचीत की और जल्दी हालात सुधरने की बात कही। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।